महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। उस पूरे युद्ध का वृत्तांत उसी समय जय नामक पुस्तक में लिख दिया गया था, किंतु ईसाई इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास बनाते समय महाभारत की पुस्तक को 800 से 1000 ईसा पूर्व पहले लिखा कह दिया। अस्तु, महाभारत पुस्तक का यह समय भी ईसाइयों तथा यहूदियों की बाइबल की सभी पुस्तकों जबूर तौरेत अंजील से अधिक प्राचीन है। संसार के सबसे प्राचीन इतिहास ग्रंथों में से एक महाभारत के सभा पर्व में एक बहुत ही रोचक घटना आती है। कदाचित सभा मध्य धार्तराष्ट्रो महीपति स्पाटिक स्थलमासाद्य जलमित्यभिशंकया, अर्थात एक दिन दुर्योधन मय द्वारा बनाए गए सभा भवन में भ्रमण करता हुआ स्फटिक मनियों वाले स्थान पर जा पहुंचा। वह स्थान फ्लोर जल की भांति लग रहा था। आंखों से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह जल है, कोई स्थल नहीं है। इसीलिए दुर्योधन ने जल की आशंका के कारण अपना वस्त्र ऊपर उठा लिया। बाद में पता चला कि यह तो स्थल के अंदर दिव्य दृश्य स्थापित किया हुआ है। आज भी आपने देखा होगा कि घर के स्थल फ्लोर को पारदर्शी करके नीचे से बिजली के तारों अथवा सेंसरों के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियां देखने को मिलती है, किंतु हम उस स्थल पर चल भी सकते हैं। दुर्योधन जब उस सभा भवन में कुछ दूर आगे गया तो उसे फिर से एक स्थान पर जल देखा। दुर्योधन से सोचा कि यह भी दिव्य दृश्य है। इस बार वह सीधा सीधा चल पड़ा, किंतु वहाँ पर सही में जल था, इसीलिए वह जल में गिर गया। उस समय महल में कई स्थलों पर ऐसे ऐसे दिव्य दृश्य लगाए गए थे कि असली और नकली की पहचान भी जटिल मुश्किल थी। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व भारत में कैसे कैसे भवन बनाए गए थे। जिस प्रकार से मय निर्मित भवन तथा उससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि विद्युत से अनेक प्रयोग मनुष्य समाज सदा से लेता आया है। हाँ, कुछ समय तक ज्ञान की परंपरा किन्हीं कारणों से कई बार रुक जाती है, किंतु थोड़े ही समय में वह पुनः प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि नामक यंत्र है जिसका प्रयोग करके वे नए नए पदार्थ सदा बनाते रहते हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी गूढ़ विद्या का ज्ञान देने वाले ये ग्रंथ हजारों वर्ष पूर्व के हैं, जब यूरोप में किसी भी प्रकार की खोजें प्रारंभ भी नहीं हुई थी। इस बात को प्रोफेसर मैकडोनेल लिखते हैं कि विज्ञान में भी भारत का यूरोप पर बहुत ऋण है। 8वीं और 9वीं शताब्दियों में भारत वाले अंकगणित और बीजगणित के विषयों पर अरब वालों के अध्यापक थे, तथा अरब में मध्यम से वह विद्या पश्चिम यूरोप के देशों में आई। गणित विद्या अन्य सभी भौतिक विद्याओं का मूल है। कोई भी माप गणित विद्या से ही निकाला जा सकता है, अर्थात सभी सृष्टि के नियम गणित विद्या से ही जाने जाते हैं। कोई भी यंत्र गणित विद्या के बिना नहीं बनाया जा सकता है। सभी विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा इतिहासकार यह कहते हैं कि गणित विद्या का ज्ञान भारत से ही संसार में फैला है। इसका सीधा अर्थ निकलता है कि आज जिस विज्ञान पर संसार खड़ा है उसका आधार भारतीय ज्ञान ही है। हजारों वर्ष पूर्व भारत के गणित के ग्रंथों को देखकर संसार आज भी आश्चर्यचकित हो जाता है। महर्षि भास्कराचार्य कृत गणित का ग्रंथ लीलावती आज भी बड़े बड़े गणितज्ञों में आश्चर्य का विषय बना हुआ है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में गणित की ऐसी विद्या देखकर
कुछ स्वार्थी अंग्रेज इतिहासकारों ने इसकी प्राचीनता कम करने के लिए सैकड़ों वर्ष का समय घटा दिया, किंतु फिर भी जब यूरोप और संसार में जमा घाटा गुना भाग आदि की सामान्य जानकारियां थी, तब सूर्य सिद्धांत, लीलावती, आर्यभट्टीय जैसे महान ग्रंथों में गणित, ग्रहों का माप तथा दूरी ग्रहण विज्ञान आदि जैसे गंभीर विषयों की सटीक जानकारी उपलब्ध थी। भास्कराचार्य की पुत्री लीलावती के विषय में तो कहा जाता है कि वह पेड़ों के पत्ते तक गणित विद्या से गिन दिया करती थी। गणित विषय पर मिस्टर कॉलेब्रेक लिखते हैं कि महाभारत के पश्चात लुप्त हुआ विज्ञान पश्चिम में द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल कैल्सियस इज जनरली क्लेमेड बाय द Europeans, but is was known to the Hindus centuries ago, as it has been referred to in various places by Bhaskaracharya. महाभारत के पश्चात लुप्त हुआ विज्ञान पश्चिम में 1617 से ईसा में प्रारंभ हुआ था, जबकि भारत में वह विज्ञान 5500 ईसा के लगभग प्रारंभ हो चुका था। महाभारत भोज के समय पर एक ऐसा यंत्र बनाया गया था जो स्वयंचलित होकर घूमता रहता था, और विमान भी बनाया गया था जो आकाश, पृथ्वी तथा जल में चलता था। महाभारत भोज के वंशज उतने योग्य नहीं थे तथा उस समय भारतीय राजाओं में आपसी फूट के कारण युद्ध होते रहते थे। अब युद्धों में विज्ञान पर कौन ध्यान देता, क्योंकि सारा सामर्थ्य, धन, बल, बुद्धि, सेना, साधन तो युद्ध में लगता रहता था। इसके तुरंत बाद अरब के मुस्लिमों के आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। धीरे धीरे भारत की स्थिति बिगड़ने लग गई। भारत एक गुलाम देश बन गया तथा इसको गुलाम बनाने वाले मुस्लिमों ने सब विद्या के ग्रंथों को जलाना प्रारंभ कर दिया। नालंदा तथा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों तथा अनेकों बड़े पुस्तकालयों को जला दिया गया। सुंदर भवनों को नष्ट कर दिया गया। गुरुकुल परंपरा समाप्त कर दी गई, जिससे ज्ञान विज्ञान का प्रवाह भारत में एकदम अवरुद्ध हो गया। मुस्लिमों ने भारत पर राज करते हुए केवल धन लूटा, किंतु देश की उन्नति पर कुछ भी खर्च न किया। मुगलों की शानो शौकत देखकर फ्रांसुआ बर्नियर लिखता है कि भारत के बादशाह इतना आलीशान जीवन जीते हैं कि कई देशों के राजाओं का खर्च मिलकर भी इनके खर्च के सामने कम रह जाएगा। इसी कारण अंग्रेज थोड़ी सी विज्ञान तथा बुद्धि के बल पर कुछ हजार सैनिकों के होते हुए भी भारत को कब्जा गए थे। पंचतंत्र में एक कहावत आती है कि बुद्धिर्स्य बल तस्य, अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, क्योंकि बुद्धि नामक यंत्र से अनेकों महान यंत्र बनाए जा सकते हैं। इस अभागे भारत पर पुनः ईश्वर की कृपा हुई है तथा अब ज्ञान के क्षेत्र में भारत नई नई उपलब्धियां छू रहा है। भारत अपने प्राचीन वैभव तथा गौरव की ओर बढ़ रहा है। भारत के डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि सारे संसार में श्रेष्ठ माने जाते हैं। वास्तव में संसार के लोग भारत को विज्ञान का उत्पादक तथा प्रारंभ करने वाला तो मानते हैं, किंतु भारतीय ज्ञान का समय केवल 2000 वर्ष के अंदर समेटने का प्रयास करते हैं। एक और आधा सत्य संसार में प्रचारित कर दिया गया है कि भारत ने शून्य का ज्ञान दिया है। वास्तव में भारत में केवल शून्य ही नहीं, अपितु गणित की 19 अंकों की संख्याओं तक का ज्ञान करोड़ों वर्षों से ही दिया है। विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक वेद में गणित विद्या विस्तार से लिखाई
सिखलाई गई है। वेदों में आता है कि मनुष्य को चाहिए कि एक संख्या को 10 बार गुणने से 10 को 10 बार गुणने से 100, उसको 10 बार गुणने से 1000, उसको 10 बार गुणने से 10,000, उसको 10 बार गुणने से लाख, उसको 10 बार गुणने से 10 लाख, इसको 10 बार गुणने से करोड़, इसको 10 बार गुणने से 10 करोड़, इसको 10 बार गुणने से अरब, इसको 10 बार गुणने से 10 अरब, इसको 10 बार गुणने से खरब, इसको 10 बार गुणने से 10 खरब, इसको 10 बार गुणने से नील, इसको 10 बार गुणने से 10 नील, इसको 10 बार गुणने से पद्म, इसको 10 बार गुणने से 10 पद्म, इसको 10 बार गुणने से 1 षडक, इसको 10 बार गुणने से 10 षडक। इन संख्याओं की संज्ञा पड़ती है।